माँ तो अभी आराम कर रही है, लेकिन जैसे इन्हें होश आ जाएगा तो क्या इन्हें तिमनासा और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होगा? नहीं देवो भैया, मैं माँ के दर पर और बोझ नहीं डाल सकता। मम्मी जब होश में आएंगी तब उन्हें सिर्फ इतना ही याद रहेगा कि हम चिंटू की पार्टी से भूखे लौटे थे और वो हमारे लिए खाना बनाने वाली थी। ओके। अभी हम माँ को आराम करने देते हैं, हम जाते हैं। मैं जानता हूँ विवान कि तुम्हारे ऊपर बालवीर की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ तुम एक बेटे भी हो। तुम अब आगे क्या करने वाले हो सोच समझ कर बताओ। मुझे जैसी माँ मिली है वैसी माँ कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, ये मेरी ड्यूटी भी बनती है कि मैं तमन्ना की स्टोरी को पूरी तरह से फिनिश कर दूँ। मैं जानता हूँ विवान, तुम कमजोर नहीं पड़ोगे। विवान, देबू, ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ बेटा। विवान, तुम इस सब के बारे में माँ को तो नहीं बताने वाले हो ना कि तुम उनके असली बेटे नहीं हो? मम्मी ने इस सीक्रेट को इतने सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा और अब मैं उन्हें ये बात बताकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहता। अरे ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है जो खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? खाना ठंडा हो जाएगा, चलो ना। हाँ माँ। विवान, क्या हुआ? तेरी आंखें तो अभी भी लाल है बेटा, फिर से कचरा चला गया क्या? कचरा गया नहीं है माँ, कचरा तो निकल गया और अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि भगवान मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने आप जैसी माँ को बनाया। ओहो, एक मिनट इधर आ, इधर बैठ। इतना मक्खन क्यों लगा रहा है? क्या बदमाशी की है तूने? कोई बदमाशी नहीं की है माँ, मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछना? अब उस बच्चे को इतना प्यार कैसे दे सकते हो जो आपका बच्चा है ही नहीं? ये कैसा सवाल है विवान? मैं तो देवू भैया की बात कर रहा था, वो आपके असली बेटे नहीं है, फिर भी आपके दिन में उनके लिए इतना सारा लव कहाँ से आता है? माँ का दिल तो दर्पण की तरह होता है विवान, और उस दर्पण में अपने बच्चों की शक्ल देखकर ही माँ के दिल में प्यार की रोशनी हो जाती है। पता है यशोदा मैया ने भी श्री कृष्ण को ऐसे ही पाला था, लेकिन जब देवू भैया को पुरानी बातें याद आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि आप उनके असली मां नहीं है तब? तब देवू जब अपनी इस मां के बारे में जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा, जैसे श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़कर जा रहे थे तो यशोदा मैया ने भी उन्हें अपने पास रुक कर नहीं रखा था। अब चल, खाना लग चुका है, ठंडा हो जाएगा। आजा जल्दी, हाँ जल्दी आजा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था विवान, तुम्हारी जान बचाने का। जन्म के तुरंत बाद ही मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। मुझे माफ कर दो बेटा।
अपने बच्चे की लाइफ बचाने के लिए अपने दिल के टुकड़े टुकड़े करने की शक्ति तो सिर्फ एक माँ के पास होती है, और इस सैक्रिफाइस के लिए मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? मैं तो खुद को लकी फील करता हूँ कि आपकी वजह से मुझे दो माएं, दो बहनें और दो परिवारों का गिफ्ट मिला। मैं तो बस आपको थैंक यू बोल सकता हूँ। माँ, एक बात हमेशा याद रखना, तुम पर हमेशा पहला हक करुणा जी का ही रहेगा। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इतने वर्षों तक तुम्हारी देखभाल की, अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क सिखाया। यशोदा मैया की तरह वो हमेशा मुझसे बड़ी रहेंगी। माँ बेटे के बीच में कहीं बेटी को मत भूल जाना। विवान, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। सर्वकाल अब अपना रूप बदलने वाला है। विवान के पास सिर्फ एक प्रहर का समय है उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए। सर्वकाल अपना रूप बदलने वाले हैं, इसका क्या मतलब है शौर्य? अभी ये सब समझाने का समय नहीं बचा है। विवान, तुम तुरंत जाकर सर्वकाल की शक्ति धारण करो, क्योंकि तिमनासा वहां पहुंचने के लिए निकल चुकी है। खाई में क्यों झांक रही है भैरानी? कहीं अपनी भविष्यवाणी झूठी साबित करने के चक्कर में आप खाई में कूदने तो नहीं वाली है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी ये है कि सर्वकाल की मदद से वो छुपी हुई शक्ति मेरा वध करेगी। लेकिन सोचो, अगर मैं सर्वकाल को ही गायब कर दूं तो? सर्वकाल उस गुफा में है, और सोचो अगर मैं सर्वकाल की शक्तियों को बालवीर की शक्तियों से मिलने ही ना दूं तो? ना कद्दू कटेगा ना किसी में बटेगा। विवान, वो रहा सर्वकाल मंदिर। जाओ और सारी ताकतें हासिल कर लो, ताकि तिमनासा का डेथ वारंट लिखने से तुम्हें कोई ना रोक सके। आ गया बालवीर अपनी बाल मंडली के साथ। तिमनासा के उस केव में पहुंचने से पहले तुम वहां चले जाओ विवान। टिम्मी आंटी ने मेरी माँ पर अटैक करके दुनिया की हर माँ के ऊपर अटैक किया है। अब ये फाइट पर्सनल बन चुकी है। So that's it is then. अब मैं इस गेम को और तिमनासा को फिनिश करके ही रुकूंगा। अब होगी फाइनल बैटल, यानी अंतिम और निर्णायक युद्ध। 3, 2,
एक। रेडी रहना अनन्या, अब ये रेस किसी भी मोमेंट फाइट में बदल सकती है। तैयार रहना तौबा तौबा, युद्ध किसी भी पल आरंभ हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए भैराजा, भैरानी ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा डाला है और छोटू तो अंदर घुस ही नहीं सकता। कैसे संभव है? मुझे फील हो रहा है कि यह तिमनासा का बनाया हुआ सीक्रेट शील्ड नहीं है, बल्कि ये किसी और ने बनाया है। बट और कौन हो सकता है जो तिमनासा को मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहा? ये तो सर्वकाल की एनर्जी है, ये सब चल क्या रहा है? क्या हुआ टिम्मी आंटी? कालुक की टेंपल में कालुक की क्वीन की न्यू एंट्री हो गई। लगता है इन्हें भी पता चल गया कि आपका दी एंड होने वाला है। अंत तो अब तुम्हारा होगा। अगर मेरे एंड को लेकर इतनी श्योर हो डिम्मी आंटी, तो फिर ये सेकेंड हैंड बीट लेकर क्यों लड़ना चाहती हो आप? एनीवेज, आपके पास सेकेंड हैंड लोग हैं तो मेरे पास भी टीम शैडो है।
इससे अच्छा तो मैं सांप ही पाल लेती। तुम कौन सी लॉयल्टी का एग्जाम्पल हो तिमनासा? तुमने सर्वकाल को धोखा दिया, मेरी फैमिली को धोखा दिया, अब खुद धोखा पाकर इतनी सरप्राइज क्यों हो? विवान, तिमनासा से लड़ाई में हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें डीप सी डाइविंग करनी है तो तुम्हारा ऑक्सीजन टैंक भी फुल होना चाहिए, और हमारे लिए फुल ऑक्सीजन टैंक मतलब सर्वकाल की शक्ति है, जिसके बिना तुम तिमनासा को नहीं हरा सकते। अरे लेकिन दोस्त, यस ही इज राइट विवान, अगर हमें तिमनासा का गेम फुल एंड फाइनल खत्म करना है तो अभी उससे लड़ाई करना अननेसेसरी होगा। आई थिंक वी शुड गो। मुझे मालूम है ये लोग उस शौर्य से मार्गदर्शन लेने गए होंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मेरे पास अभी भी एक दुरुस्त का इक्का है। शौर्य, विवान को सर्वकाल मंदिर के अंदर जाने से कौन रोक रहा था? हाँ, और वो भूल भुलैया जैसा कंफ्यूजिंग सा मेज किसने बनाया था? वो सर्वकाल ने ही बनाया है। वहाँ एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया है जिसे त्रिद्वार चक्रव्यूह कहते हैं। लेकिन सर्वकाल तो हमारी हेल्प कर रहे थे ना, तो फिर वो मुझे ही मंदिर के अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? इसके पीछे एक कारण है। जिस समय छुपी शक्ति को पहचानने वाला तीर विवान को लगा, ठीक उसी समय सर्वकाल ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया, ताकि वो अपनी पूरी शक्ति विवान के शरीर में भेज सके। यात्री की तरह अपने मृत्यु का इंतजार करने वाले क्या पैरानी? मूर्ख, ये मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ में सर्वकाल की आत्मा समाई हुई है। इस पेड़ के अंदर सर्वकाल का सारा ज्ञान और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी इस पेड़ से कोई नई स्मृति जुड़ती है तो इस पेड़ का रंग बदल जाता है। इसका मतलब यही है कि इस पेड़ के साथ सर्वकाल का कोई नया रहस्य जुड़ चुका है। लेकिन विमान तो वहाँ सर्वकाल की शक्तियाँ ग्रहण करने गया था, फिर समस्या क्या हुई? अपने शक्ति रूप में आने के बाद सर्वकाल की चेतना खत्म हो चुकी है। अब जो भी उसके सामने सबसे पहले आएगा, चाहे वो विमान हो या तिमनासा, सर्वकाल की सारी शक्ति उसके शरीर के अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए सर्वकाल मंदिर के चारों तरफ त्रिद्वार चक्रव्यूह बन गया, ताकि कोई भी उस शक्ति को हासिल ना कर सके। इसका मतलब ये एक फेल सेफ सिस्टम है। तो क्या विवान को वो त्रिद्वार चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा ताकि उसे सर्वकाल की शक्तियाँ मिल सके? हाँ। तो शौर्य, जल्दी से मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि बताइए, इससे पहले की टिम्मी आंटी उस मेज को ब्रेक करके सर्वकाल की सारी सुप्रीम पावर्स को अब्सॉर्ब कर ले। फिर जल्दी से पूछिए इसे कि उस चक्रव्यूह के अंदर जाने का तरीका क्या है। ए पेड़, चल जल्दी से जाग जा, चल। अच्छा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? सर्वकाल को धोखा देकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? जाओ यहाँ से, जाओ। लेकिन पहले मुझे उस त्रिद्वार चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि बता दो। ध्यान से सुनो विवान, इस त्रिद्वार चक्रव्यूह में तीन दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे प्राणघातक जाल बिछा हुआ है। ओके, लेकिन किस टाइप का डेथ ट्रैप होगा उन दोष के पीछे? ये तो तुम्हें द्वार खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा विमान।
बस करो, इस अग्नि को बुझा दो तिम्नासा। इस अग्नि से तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम मुझे वो विधि बताओगे। वचन देती हो? पहला द्वार खोलने के बाद अंतिम द्वार खोलने के लिए केवल एक पहर का समय है। एक पहर के अंदर अगर वो आखिरी द्वार नहीं खुला तो सर्वकाल की शक्ति के साथ साथ पूरा चक्र भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। इसका मतलब उस अंतिम और निर्णायक युद्ध में मुझे तिम्नासा से पहले सर्वकाल की शक्तियां हासिल करके उस डेविल टिम्मी आंटी का एंड करना होगा।